हमारे साथ मौजूद है। दीदी, आज तमाम दावेदार जो हैं प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचे, प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात हुई, आप भी एक दावेदार है खंडवा लोकसभा से, आप भी पहुंची, क्या कुछ चर्चा यहाँ? एक तो जो चर्चा हुई वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से हुई, संगठन महामंत्री जी से हुई, तो वो चर्चा किसी और से तो करना आवश्यक नहीं है। और कोई दावेदारी करने यहाँ नहीं आया है, पार्टी ने एक निश्चित लोगों को यहाँ बुलाया, उनसे माननीय अध्यक्ष जी ने और संगठन महामंत्री जी ने चर्चा करी, उस भाव से और उस निमित्त से उस आदेश पर हम सब यहाँ आए हैं। और दावेदारी और समर्थक ये शब्दावली भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की नहीं, यहाँ पार्टी के विचारधारा के साथ हम होते हैं, पार्टी की संगठन हमारा ही शक्ति है। और दावेदारी हम नहीं करते, हम तो जिसको उम्मीदवार पार्टी तय करती है उस उम्मीदवार के साथ में सारी पार्टी एक मन से लग जाती है। पार्टी अगर आपको जिम्मेदारी देगी तो आप किन मुद्दों के साथ जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मेरे समेत, केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, इसके आधार पर हम सब पार्टी के लिए और पार्टी के माध्यम से समाज की सेवा करने के लिए तैयार हैं, मुस्तैद हैं। हर सिंह भी आज मुलाकात हुई है, आपकी भी मुलाकात हुई, कई मायने जो है राजनीति में निकाले जा रहे हैं। अभी मायने निकालना आपका काम है, आप लोग निकालें, हम तो अपने नेतृत्व का निर्देश मानते हैं। कांग्रेस की बात करें तो अरुण यादव और शेरा भी जो है आमने सामने है, अरुण यादव जी ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है, शेरा अपनी धर्मपत्नी के लिए टिकट। कांग्रेस कैसी पार्टी है इस पर तो ओपिनियन देगी जनता चुनाव में, मैं इतना ही कहूंगी, वो पार्टी अपने आप में विचित्र किंतु सत्य है। बिल्कुल, साफ तौर पे यहाँ पे पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस का यही कहना है कि जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी वो उसे बखूबी से निभाती हुई नजर आएगी। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना।